नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप एक बार फिर आप लोगों के साथ एक नए वीडियो में। दोस्तों मैं हूँ अभी चाइना के शंघाई सिटी में। वैसे तो शंघाई में रहते मुझे करीब 5 साल हो गए, और इन 5 सालों में मैंने इस सिटी को कितना जाना, क्या फील किया, इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों जब मैं पहली बार शंघाई आया तो इस दौड़ते भागते जगमगाते हुए भीड़ भाड़ वाले शहर में एक अजीब सा अकेलापन महसूस हो रहा था। यहाँ मेट्रो बस और रोड पर आपको हजारों लोग दिखेंगे, लेकिन किसी के पास आपसे बात करना तो दूर आपकी तरफ देखने तक का फुर्सत नहीं है। अगर आप शंघाई में पहली बार या कुछ समय के लिए आए हैं तो यकीन मानिए आपको ऐसा ही महसूस होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको इस भाग दौड़ से कोई मतलब नहीं है, जिनके पास समय ही समय है आपको देने के लिए, और मुझे लगता है कि ये लोग बहुत ही सरल और सुखी जीवन जी रहे हैं, और वो हैं शंघाई के बुजुर्ग, यहाँ के सीनियर सिटीजन। तो दोस्तों आइए जानते हैं शंघाई का नॉर्मल लाइफ। दोस्तों यहाँ दिन की शुरुआत होते ही जहाँ एक तरफ यंग जनरेशन काम करने की रेस में लग जाता है, वहीं यहाँ के बुजुर्गों की दिन की शुरुआत क्वांग छुआंग वू से शुरू होती है। क्वांग छुआंग वू एक तरह का व्यायाम है, डांस वाला व्यायाम। यहाँ क्वांग छुआंग का मतलब मैदान और वू का मतलब डांस है। क्वांग छुआंग वू मतलब मैदान वाला डांस या खुले में डांस। दोस्तों क्वांग छुआंग वू में व्यायाम के साथ मनोरंजन भी होता है, और ये व्यायाम हर चौराहे हर पार्क में लोग आपको सुबह शाम दोनों ही समय करते हुए दिख जाएंगे। जहाँ एक तरफ यंग लोग जिम में पसीना और पैसा बहाते हैं, वहीं दूसरी तरफ ये क्वांग छुआंग वू एकदम बिल्कुल मुफ्त है, इसमें कोई भी डांस कर सकता है। दोस्तों जब मैं पहली बार शंघाई आया तो मैंने ये देखा तो मुझे लगा कि शायद ये किसी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मैंने देखा कि मैं जहाँ भी जा रहा हूँ वहाँ के हर चौराहे हर पार्क में ये लोग कर रहे हैं, और हर जगह बूढ़े लोग ही हैं। तब मुझे किसी ने बताया कि नहीं, ये एक तरह का व्यायाम है जिसे क्वांग छुआंग वू कहते हैं। सुबह के एक्सरसाइज के बाद अब समय आता है कुछ मार्केटिंग का, दोपहर के खाने के लिए कुछ फल सब्जी और कुछ सामान खरीदने का। मार्केट में मैंने देखा कि कुछ बुजुर्गों के पास कुछ अजीब तरह की गाड़ियाँ हैं जो शायद खास तौर पर इन्हीं लोगों के लिए बनाई गई हैं। जब पहली बार मैंने ऑटो जैसी दिखने वाली इस गाड़ी को देखा तो मुझे लगा ये यहाँ का ऑटो है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये गाड़ियाँ बस यहाँ के सीनियर सिटीजन के लिए ही अलाउ हैं। दोस्तों अगर गाड़ियों की बात करें तो शंघाई में आपको 80% गाड़ियाँ बैटरी से ही चलने वाली मिलेंगी। अब इनमें चाहे बस हो, कार हो या टू व्हीलर हो, सभी बैटरी से ही चलती हैं। मुझे सबसे अच्छी लगी यहाँ की साइकिल, जो एक मोबाइल ऐप से खुलती है और इसे कोई भी कहीं भी ले जा सकता है। शायद इन्हीं सब कारणों की वजह से शंघाई बिल्कुल पोल्यूशन फ्री है। यहाँ लंच के बाद अब समय आ गया है मस्ती और मनोरंजन का। दोस्तों मैंने देखा कि यहाँ लंच खाने के बाद यहाँ के बुजुर्ग अपने आसपास के पार्कों में पहुँचने लगते हैं। यहाँ अपने दोस्तों और अपने पार्टनर्स के साथ दोपहर से लेकर शाम तक कोई अपने पसंदीदा गेम का मज़ा ले रहा है, तो कोई संगीत का मज़ा लेने में व्यस्त है। मैं भी यहाँ के कुछ लोकल म्यूजिशियन से मिला, हालांकि भाषा से तो हम एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन म्यूजिक से हमने एक दूसरे के बारे में काफ़ी कुछ समझा और जाना। दोस्तों आप शंघाई के किसी भी छोटे बड़े पार्क में चले जाइए, वहाँ आपको जरूर कोई ना कोई बूढ़ा व्यक्ति म्यूजिक प्रैक्टिस करते दिख जाएगा, ऐसा मैंने यहाँ के जवान लोगों में नहीं देखा। वैसे देखा जाए तो शंघाई के हर एक लोकल एरिया में यहाँ की गवर्नमेंट ने इन सीनियर सिटीजन के लिए एक स्कूल बनवा रखा है, जहाँ ये म्यूजिक, योगा, सिलाई, मॉडलिंग और भी बहुत कुछ बिल्कुल मुफ्त में सीख सकते हैं। दोस्तों इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लंच के बाद छोटे मोटे काम करना पसंद करते हैं, जैसे ये 75-year-old दादी। मैं इनको यहाँ 4 साल से काम करते हुए देख रहा हूँ। कोविड से पहले मैंने एक बार इनसे सेविंग करवाई थी, मैं बस ये देखना चाहता था कि 75 साल की बुजुर्ग दादी कैसे काम करती है। दोस्तों उस समय इन्होंने मुझसे 3 युआन लिए थे, यानी अगर भारतीय पैसे में देखें तो 30 रुपये, और आज भी इनका वही रेट है। मैंने इंडिया में अभी तक इतनी बुजुर्ग महिला को मर्दों के बाल काटते नहीं देखा। क्या आपके शहर या गाँव में कोई ऐसी लेडीज़ है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर शंघाई के एक नॉर्मल सैलून में बाल कटवाना है तो कितने पैसे देने होंगे, आइए देखते हैं। दोस्तों जब मैं इस सैलून में हेयर कट के लिए आया तो सबसे पहले मुझे कुछ ड्रिंक्स और कुछ बिस्किट्स दिए गए खाने के लिए।
इसके बाद इस लेडीज ने करीब आधे घंटे तक मुझे हेड एंड शोल्डर मसाज दिया। इसके बाद बालों में कुछ शैम्पू लगा के हेयर वॉश किया, फिर मेरे कान साफ किए, इसके बाद हेयर कट किया और अंत में एक बार और हेयर वॉश किया। दोस्तों इन सभी चीज़ों के लिए मैंने इन्हें 60 युआन पे किया, जो हमारे भारतीय पैसे में करीब 600 रुपये हैं। जो भी हो, अगर हेयर कट की बात आए तो मैं दादी को ही प्रिफेयर करूँगा, क्योंकि सैलून में तो अच्छा बाल काटते हैं लेकिन दादी कम पैसे में अच्छा बाल काटती है। दोस्तों संघाई में मैंने यहाँ के सीनियर सिटीजन को रोज़ अपना लाइफ इंजॉय करते देखा। यहाँ उम्र बड़ी होने का मतलब ये नहीं कि आप बूढ़े हो गए हैं, उम्र तो बस एक ख्याल है। यहाँ ये डिपेंड करता है कि आप खुद को कितने साल का महसूस करते हैं। दोस्तों इनके लाइफ स्टाइल को देखने से ये बात मालूम चलती है कि अगर आप अपने मन को जवान रखते हैं तो आप कभी बूढ़े नहीं होंगे। यहाँ ये ज़रूरी नहीं कि आपकी उम्र क्या है, ज़रूरी ये है कि आप किस उम्र की सोच रखते हैं। दोस्तों संघाई के इन सीनियर सिटीजन के लाइफ स्टाइल के अलावा भी मुझे कई चीज़ें अच्छी लगी, जैसे यहाँ की सिटी की सफाई। ये शहर पहले से ही बहुत साफ़ सुथरा है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग रास्ते से एक एक तिनके को उठाते रहते हैं और ख़ुद ही अपने शहर को हमेशा साफ रखते हैं। दोस्तों संघाई में रहते मुझे करीब 5 साल हो गए और इन 5 सालों में इस शहर को मैंने जितना देखा और जाना उसको एक ही वीडियो में कवर कर पाना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए आगे भी मैं वीडियो बनाता रहूँगा। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जगह पे। तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार।